तो दोनों बैग मिसिंग थे, तो मैंने रिपोर्ट फाइल की तो उन लोगों ने बोला कि मैं हम हमारी तरफ से ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो फिर दो दिन बाद हमको एक बैग मिला, हम एयरपोर्ट जाके आए तो ठीक है। ना बना बना क्यों आई पसंद? ना भाई नहीं आई यार, ये ट्राई करिए, दिस दिस ट्राई, ये वाली चले ये भाई। कितने की ली है? मैंने ली $90 में ली, और टेस्ट के साथ पड़ी 95 में तकरीबन। अभी देखेंगे समर में क्या वेदर रहेगा, क्या लोकेशन रहेगा। सो गाइस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडियंस? Awesome, amazing. I love the food. Awesome. Yeah. You love the food? Yeah. Love the food. Butter chicken. Butter chicken. Curry. क्या आप क्या रिकमेंड करेगा जिन्होंने कैलगरी आना है भाई इंटेक में? आ जाना भाई जल्दी, यहाँ पे स्टडी 2 साल लगा दो, PR मिल जाएगी जल्दी as compared to Toronto और वो सब। बाकी भाई Toronto अच्छा है। हेलो एवरीवन, ताडा फिर तो स्वागत है एक बार मेरे यूट्यूब चैनल दे उत्ते। -35 डिग्री टेंपरेचर आ डाउनटाउन दे विच खड़े हैं आपां, ते मैनू आए नू 2 महीने तो ज़्यादा हो चुका, पर फिर भी ना हले भी बॉडी नू आदत नहीं पई, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है हले भी। तो अज घूमण फिरन दा प्लान बनया सीगा, शिनुक मॉल है इत्थे एक अपना कैलगरी दे विच साउथ ईस्ट दे विच, ते बहुत वधिया मॉल आ उत्थे, अज उत्थे चले आ घूमण फिरन। वीडियो में एंड तक बने रहो, तुहानू भी मॉल दिखाने हैं अंदरों किदां दा आ, जे तुहानू पसंद आऊगा तुसी कैलगरी आओगे तो जरूर जाके आयो। मैं कल भी मॉल गया सीगा, मैनू बहुत वधिया लगा, तो अज फिर चला मैं एक बारी। तो हुण मैं डाउनटाउन खड़ा, इस टाइम तुसी देख सकते हो ट्रेनां आ रही पिछे। ओ ये मेरा दोस्त है प्रेरक, ये जब मैं इंडिया था तब से मेरा दोस्त है, तो ये फाइनली अब कैलगरी आ गया। ये दोनों अभी नहीं आए हैं, इसको 1 दिन हुआ, इसको 3 दिन हुए हैं। तो भाई बताओ कैसा लग रहा है कैलगरी? गाइस कैलगरी बहुत अच्छा है वैसे, पर अच्छा नहीं भी है क्योंकि बहुत ही ठंड है। तो कितनी ठंड है? गाइस बहुत ही ठंड है, और अभी -30 या -27 है, तो इट्स वेरी हार्ड टू लीव हियर। और बहुत मतलब आ जाओ जिनको आना, आ जाओ मजे लो यहाँ पे, थोड़ा फोकस कर लेना। इसका यूट्यूब चैनल भी है प्रेरक पटेल नाम से, तो अभी ये ब्लॉगिंग स्टार्ट करेगा, अभी अभी आया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके सब्सक्राइब कर लेना सब लोग। मेरे ब्लॉग तो आप देखते ही हो, साथ में इसके भी देखना, ठीक है? अब आपको मिलते हैं चिनुक मॉल जाके, फिर आपको वहाँ जाके दिखाएंगे ना। और फिर प्रेरक बता कैसा रही तेरी जर्नी इंडिया से कनाडा की? बस अच्छी रही, 3 फ्लाइट बदल के आया, सभी फ्लाइट में मैंने मेरी बैगेज अपने आप को मैंने ली थी। अच्छा, तो वैसे अच्छा है कोई नहीं, पर अभी तो माहौल बहुत ही मतलब अच्छा है, अच्छा लग रहा है, पर ठंड बहुत है। तो फ्लाइट में खाने को सही मिला? खाना भाई मैंने नहीं खाया, बस एक ही टेंशन था कि सही से मतलब मैं कनाडा कैलगरी पहुंच जाऊं। अच्छा, तो 14 घंटे कैसे निकाले, नींद आ गई थी? हाँ 14 घंटे का क्या सीन हुआ पता ही नहीं चला, बस निकल गए। ठीक है, तेरे को एक स्टोरी कवर करनी है, बहुत बढ़िया है, थंबनेल भी अच्छा लग गया था। हाँ, कौन सी? मेरा वेस्ट जेट में फ्लाइट था फ्रॉम टोरंटो टू कैलगरी। अच्छा, और मेरे 2 बैग गुम गए थे वहाँ पे टोरंटो एयरपोर्ट पे, फिर आज दोनों लेके आया, एक बैग 4 जनवरी को लेके आया, एक बैग ना 2 दिन पहले मिली और एक बैग कल मिली, आज मिली एयरपोर्ट जाके लेके आए, मतलब 2 बैग रह गई थी इनकी जो मिल गई है, और ये हमारे रूममेट है, तभी सब घर का सामान आ गया है जो बचा कुचा था, तो टोरंटो से बिना बैग लिए कैलगरी आ गया। हां बिना बैग लिए आ गया। अच्छा, तो मेरी फ्लाइट करके आ गया वो, मेरी फ्लाइट थी दुबई से टोरंटो की, और फ्रॉम टोरंटो टू कैलगरी, और वहां पे मुझे बैग चेक इन फिर से नहीं करवाने थे। अच्छा, और मेरे को बैगेज कैलगरी में मिल जाने चाहिए थे, लेकिन वहां पे जब मैं कैलगरी एयरपोर्ट पे आया तो दोनों बैग मिसिंग थे, तो मैंने रिपोर्ट फाइल की तो उन लोगों ने बोला कि हम हमारी तरफ से ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो फिर 2 दिन बाद हमको एक बैग मिला, हम एयरपोर्ट जाके आए तो, और आज यानी 2 दिन बाद और दूसरा एक बैग मिला वेस्ट जेट एयरलाइन की तरफ से, उसकी बेदरकारी बहुत ही खराब है। अच्छा, सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो विद द एयर कैनेडा इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द वेस्ट जेट। ऑल्सो यू कैन गो विद एयर इंडिया, तो एयर इंडिया से है। हाँ, तो देखा भाई वेस्ट जेट का रिव्यू आपने देख लिया, भाई के दोनों बैग घूम गए थे, अभी एक हफ्ते के बाद मिले हैं, और मेरे घर पे भी एक था मेरा फ्रेंड, वो भी अभी इंडिया गया है, उसके बैग भी घूम गए थे।
पर उसकी थी एयर कैनेडा थी, वो उसके दिल्ली जाके बैग मिले थे नहीं मिले, तो बैग वगैरह का भी सीन हो जाता है। तो घबराना मत, चुपचाप एयरपोर्ट से घर चले जाना, कंप्लेंट करा के मिल जाते हैं बैग, ठीक है। तो भाई अभी जा रहे हैं अपने कौन से वाले स्टोर पे? शिनुक सेंटर, वो सामने है। सेंटर, ओके। तो वहाँ से हम हमारे ग्लव्स, क्योंकि ये मैं ग्लव्स इंडिया से लेके आया हूँ। अच्छा, सॉरी, इतने मतलब बहुत अच्छे वाले हैं, फिर भी यहाँ पे चलते नहीं है। तो मेरे को देख ले यार, ये पाजी अपने ये चला लेते हैं अपने, हमारे से नहीं होता, हम गुजराती लोग हैं, हमें फुल्ली सिक्योरिटी चाहिए हमारी। तो बस यही सीन है, अभी ये मॉल में जाएंगे और वहाँ से मुझे एक जैकेट लेना है, क्योंकि ये मैं जैकेट लेके आया हूँ, ये मेरे भाई का है, ठीक है। तो ये लंदन का है पर फिर भी ये नहीं चलता है, तो वो ले लूँगा जैकेट और एक शूज लेने हैं। एक्चुअली एक मिनट, मैं शूज जो पहन के आया ना इंडिया से, ये मेरे इंडिया से आए, यहाँ पे 4 दिन हुए। अच्छा। और 4 दिन में दिखा, ये देख लो 4 दिन में ना फट भी गए यहाँ से, -30 है, मतलब समझ लो आप, बहुत खतरनाक सीन है, पर मजा आता है, और ऐसे दोस्त मिल जाते हैं, और ऐसे दोस्त मिल जाते हैं, सही है, फिर चलता है। अच्छा चलो भाई, मिलते हैं वहाँ पे मॉल, हम पहुँचने वाले हैं अब, बस अब भाई को शॉपिंग कराते हैं, फिर आपको दिखाएंगे जैकेट वगैरह, अब आपको मिलते हैं मॉल में जाके। मैं सीधा मेरे में सॉन्ग वॉन्ग डालूंगा नहीं, सीधा अपलोड कर दूंगा। हाँ भाई, कितने की है? $119 की है भाई, बहुत महंगी है यार। अरे इतने की मिलेगी? 120 से नीचे कुछ नहीं मिले। हाँ सारी देख ले, थोड़ी वाली लेनी है। हाँ तू सारी देख ले, एक बार चेक कर ले। But sometimes it's just like literally way easier for you to just like check. And basically the area is just to be $40 के ग्लव्स हैं। $40 के? अच्छा कितने? $40 मेरे। What will be the price for this jacket? क्या? What will be the price for this jacket? ये होगी मेरे हिसाब से 120 की होगी। कितने की है? Price mention नहीं है भाई। नहीं mention है।
पूछ लेते हैं इनसे, होगी 100-150 की, 300 की। बंदे हजे डर रहे हैं रेट देख के, ते जो मैं नवा नवा आया सगा मेरा भी आई हाल हुंदा सी, 100-150 देख के डर जी दा सगा, वही हाल अले इन्हां दा हुंदा पिया, 120-150 देख के डरते पे भी बहुत महंगी जैकेट है। मॉल बड़ा ही सोहना है, मतलब टाइम पास करने ना बहुत बढ़िया जगह है, तुसी सवेरे आ जाओ शाम नू जाओ, टाइम का पता नहीं लगता, इतने बहुत बढ़िया जगह है। शिनुक मॉल साउथ ईस्ट के बच्चा, सिटी हॉल उतर के समरसेट लै लो तो शिनुक स्टेशन उतर जाओ, उतो फिर 5 मिनट की वॉक है तो तुम इस मॉल के आ सकते हो। तो बंदे अपने जोड़े 4-5 है सारे नवे आए हैं हले, ये गुजरात के आता करके इन्हों हिंदी गल करनी पैंती है। हूँ पिछे जैकट जुकट देखते दे पे हो, कपड़े कुपड़े तो जे तुम लैने ना इतने सारे ब्रांड के मिलने, मतलब कि इतने सारे टॉप लैवल के ब्रांड आ, तो जो सस्ते कपड़े लभने तो फिर वॉलमार्ट चल जाओ, कोस्को वगैरह चल जाओ, उतों सस्ते मिलूंगे, इतने तुम सारिया ब्रांडेड चीज़ा मिलूंगिया तो वह महंगी होनी, ठीक है ना। तो बाकी मॉल बहुत सोहना है अंदरों, क्यों आई पसंद ना भाई? नहीं आई यार, ये ट्राई कर ये ऑरेंज, ऑरेंज ट्राई कर, ऑरेंज बहुत अच्छी लगेगी तेरे पे, सारी गोरियां सेट हो जाएंगी। सही है सही है, अच्छा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई, 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 सही है सही है। बढ़िया किन्ने दी है? 90 फिर और क्या चाहिए वे? 90 में कुछ नहीं मिलेगा तेरे को, 90 में पर बैठना तो पाना। क्या फिट है? थोड़ी टाइट है इधर कमर से, उसने अंदर भी निकल दिया तेरा, थोड़ी हुआ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यहाँ पर लंबाई लेते हैं सभी, भाई ये दो दोस्त और आए हैं, ये भी गुजरात से ही हैं, इन दोनों के साथ ही है। तो भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजस काकलोदर। मेरा नाम रुद्रा उपेरिया है। कितने दिन हो गए यहाँ आए? मेरा 15 दिन हो चुके हैं। मेरे 6 दिन हुए हैं। अच्छा, 15 दिन में क्या क्या देख लिया? से ज्यादा कुछ देखा ही नहीं अभी तो। नहीं देखा ये सब पहन के बाहर निकला पड़ता है भाई। कितने की ली है? मैंने अभी $90 में ली, और टेस्ट के साथ पड़ी 95 में तकरीबन। अभी देखिए समर में क्या वेदर रहेगा, क्या लोकेशन रहेगा, समर का पिक्स क्लिक करने के लिए। अच्छा अच्छा, समर का काफी इंतजार कर रहे हैं हम, चलो आगे मॉल देख लेते हैं और ओके देख लें। चलो गाइस, तो भाई सारे ये गुजरात के बंदे हैं, हुण इन्हां दे नाल मैनूं हिंदी च गल करनी पै रही है क्योंकि इन्हां नूं पंजाबी समझ नहीं आनी। तो हुण आपां मॉल देख लिए, थोड़ा बहुत होर बाकी तो तुहानूं दिखाई दिता है। और भाई प्रेरक, फिर आया कुछ पसंद मॉल में से? भाई पसंद बहुत कुछ आया, पर सब बहुत ही महंगा है, बहुत ही महंगा है, एक्सपेंसिव। अभी हमने तो इतना एक्सपेंस करना, इट्स नॉट वर्थ इट। अच्छा, तो मैं नहीं कर सकता। तो और एफोर्डेबल चीज़ कुछ लेनी है, जैसे कि मुझे जैकेट लेने, जैकेट तो कुछ भी करके लेना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे जैकेट मिलता है $100, 110 लेना पड़ेगा मुझे। अच्छा, तो यहाँ से नहीं लेते, अभी जा रहे हैं वॉलमार्ट, वहाँ पे जाके शूज़ लेने पड़ेंगे। शूज़ यहाँ पे मेरे नंबर के नहीं थे,
तो वहाँ पे जाके देखते हैं, शूज़ अगर मिल जाते तो ले लेंगे और जैकेट भी देख लेंगे और अपने भाई के साथ अभी हम घूम रहे तो शूज़ अपने को हेल्प करेगा। सीन ये है कि मैंने कुछ नहीं देखा है, मेरे अभी 5 दिन ही हुए तो मुझे पता नहीं चलता है कहाँ से क्या जाना है और मतलब थोड़ा क्रिटिकल है मेरे लिए। कोई नहीं, कोई बहुत खतरनाक है। कोई नहीं, मैं वो तो दिखा दूंगा सब। अब तेरे को शूज़ चाहिए ना? हाँ, शूज़ लेने जाएंगे और जैकेट ले लेते हैं। चल फिर अब हम चलते हैं वॉलमार्ट, वहाँ से जैसे मैंने शूज़ लिए तेरे को लेके देता हूँ 45। ओके ओके, ठीक है, आ जाए वॉलमार्ट चलते हैं। चले वॉलमार्ट, चलो बाय बाय कर दे फिर शिनुक मॉल को। लेट्स गो टू वॉलमार्ट। राइट, ओके, सो ए तीन गोरे सानू मिले आ इथे। ए सो गाइस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडियंस? अवसर अमेजिंग, आई लव द फूड। यू लव द फूड? लव द फूड। बटर चिकन, बटर चिकन करी, ओके, या दैट्स गुड, एंड वी लव एवरीवन देयर। इट्स ओके, वेयर यू ईट बटर चिकन? Oh, I think it's Indian restaurant. Indian restaurant. My dad makes it. That's right. Your dad makes it? My mom makes it, so she's kind of brown too. Your parents are Indian? No, this is brown. Okay. Yeah. Where are you living right now? Here. In the northeast. Southeast. I live in northeast, yeah. And there is a temple known as Dismish culture. Yeah. If you come there, you will get Indian food. Free Indian food. Free Indian food. Yeah, really? Free Indian food. Yo, it's tomorrow. Go. We are Sikh and our temple provides free food to people. That's good. Yeah. If you, I'll go tomorrow. You go tomorrow? Yeah. So in future, if you are hungry and you don't have money, you can go to our temple and you will get free and tasty food. Just taste at least once. Yeah. Once. Okay. Like it, you can go again and again or whatever it is. Whatever you want to do, you can do. Right? Yeah. Our temple name is Dismish culture. Search on maps and you will get there. So guys, हमें फर्स्ट टाइम यहाँ पे, हमने ना फर्स्ट टाइम बात करी है फॉरेनर के साथ। सो अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छे लोग हैं, नेचर भी बहुत अच्छा है। तो सो बेसिकली ही इज सेइंग दैट फॉरेनर पीपल, दिस इज आवर फर्स्ट टाइम वी मीट टू फॉरेनर एंड यू आर सुपर कूल एंड योर नेचर इज टू गुड, यू आर वेरी फ्रेंडली, दैट आई एम सेइंग इन आवर लैंग्वेज। I have a good day. Have a good night and subscribe to his channel. Yeah. Subscribe to this channel. Yeah. Okay, nice to meet you. Yeah, nice to meet you. Thank you. Bye. Have a nice day. Yeah. Chalo bhai. Nyane sige bechare 13 15 saal de sige. ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੋ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਾਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਲੋ ਬਈ, ਮੁੰਡਾ ਬਲੌਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਚੈਨਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਵੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਾਲਮਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਕੈਲਗਰੀ ਟਾਵਰ -35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ। हाँ, कैसा लग रहा कनाडा? हाँ, हाथ खड़े हैं? हट जाइए। इंडिया जाना है? हाँ भाई, जाना है इंडिया, पर अब क्या करें, इंडिया को छोड़ के इतने सारे पैसे लगा के आ गए। दिल कर रहा है इंडिया भाग जाऊं। हर रोज क्रिकेट कैप्टन को बुलाओ, बात चाहे यहाँ पे क्या लेना, ये ठंडी वंडी में भाई, अपना अपने गांव में अच्छे से लस्सी लस्सी पियो, बढ़िया मजे करो यार, ये सब। कोई नहीं, अभी नया पहनना पड़ता है, अभी नया नया आया है, 15-20 दिन रुक जा, फिर आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। जब मैं भी पहले नया आया था ना, तब मैं भी यही कहता था, अभी कुछ नहीं है यहाँ पे, इंडिया चलो। ट्रेन का समझ आया थोड़ा बहुत? वो देख लिखा है 69 स्ट्रीट, तो इस तरफ आएगी 69 स्ट्रीट वाली ट्रेन और उस साइड आएगी सैडल टाउन वाली। बहुत ही खतरनाक ठंड है अभी, फील्स लाइक 35। मजा आ रहा है ठंड में? अरे फट गई है भाई, का कोई मजा नहीं आ रहा भाई। कैलगरी आने का डिसीजन सही था? हाँ, बस जाने दे, कुछ नहीं बताना यार। क्या आप क्या रिकमेंड करेगा जिन्होंने कैलगरी आना है भाई इंटेक में? आ जाना भाई जल्दी, यहाँ पे स्टडी 2 साल लगा दो, PR मिल जाएगा जल्दी, एज कम्पेयर टू टोरंटो और वो सब। बाकी भाई टोरंटो अच्छा है, मेरे तो फ्रेंड वहाँ पे, मैं यार यहाँ पे आके जब पहले, अभी तो लग रहा है फंस गया, फिर आ जाएगा धीरे धीरे करके। कितनी ठंड हो जाएगा? कितनी ठंड है? वो लोग जो देख रहे हैं ना, उनको पता चल जाएगा कितनी ठंड है।
देखिया तुसी भाई बंदे दा रिव्यू, बंदे नू चार पांच दिन होए आ हले आए नू, ते ठंड नाल दा बुरा हाल हो गया बेचारे दा। इतना मतलब बहुत ही लेयर वाले मैंने करना है, फिर इट्स टोटली कोल्ड, ठंड नाल बेचारे दा बुरा हाल होया पिया आ। मैनू हुण थोड़ी आदत पै गई है क्योंकि मैं चार दिन ही हुए, इतना चले ना ब्रांड भी मतलब अभी खुले पड़ने लगे अभी। मैनू थोड़ी आदत पै गई है क्योंकि मैं हौली हौली इस टैंपरेचर च एंटर किया। रुक जा जड़े बंदे जैन दे विच सीधा -30-35 च एंटर करूंगे उन्हां दा बहुत औखा होना है, तुहानू बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, इस करके प्रिपेयर रहो इत्थे दी ठंड सहन लई। कैलगरी दे विच बहुत ज़्यादा ठंड पैंदी है भाई, सिर की भी नसे ना सुख जाती है सिर पे, मतलब बहुत मतलब पेन होने लगता है ये कपाड़ पे और ये हाथ पे तो बहुत खतरनाक, खास करके नी पे बहुत प्रॉब्लम होता है पैर में। फाइनली वॉलमार्ट आ गया वे, मसी सुकून मिलया, इन्नी क ज्यादा ठंड, मुंडा साडा एन ढेर हो गया है ठंड नाल, ते बहुत बुरा हाल है उहदा। आई होप ये वीडियो ना जिहड़ा ने नवे नवे ने कैलगरी दे विच आना उन्हां नू अंदाजा हो गया होना भी किस लैवल दी ठंड है। ठंड जैन इंटेक में बताना नहीं आना ना, मई में आओ। ये देखो यहाँ पे पूरी पूरी बर्फ है सब जगह पे। आप हुण वॉलमार्ट पहुँच गए, हुण मुंडे नू बूट पसंद करा दी है, ते फिर चलिए घर नू। मैं भी इत्थों ही ले सके वॉलमार्ट तो 45 दे मिल गए सके, ते मैं क्या इनू भी ले दिए, जे तुसी सस्ते बूट लेने तो वॉलमार्ट आ जाओ तुहानू वधिया शूज मिल जूगे। ठंड नहीं लगती नहीं, नहीं नहीं सही है आ वाले शूज -30 तक चलूगे $60 दे। ज्यादा ही नंबर है, सिर्फ यही है कि ये वाले थोड़े बड़े हैं, जो मैंने लिए थे वो शायद दूसरी साइड है, बाकी तू देख ले तूने कौन से लेने हैं। नहीं नहीं तू दिखाना, कौन से ये तो दूसरे हैं, ये मैंने वैसे लिए हैं कॉलेज वगैरह जाने के लिए। ये कितना नंबर है, टूट जाएगा ऐसे कुछ नहीं होता ना? नहीं नहीं ऐसे नहीं टूटते, मजबूत शूज हैं, स्पेशली बने स्नो के लिए हैं। ये देख भाई ये बर्फ में क्या सीन हो गया इसका। ये इंडिया से लाया था? हाँ भाई इंडिया से लेके आया था। अच्छा पैदल चल के टूट गए? हाँ, अरे मेरे में ब्लॉग बनाना पड़ेगा। ठीक है कोई नहीं बना देता हूँ। बंद सो मुंडे नू आपा छड़ता उहदे घरे, उहनू बेचारे नू रस्ता नहीं पता सी भी किधरों जाना किधरों नहीं। डाउनटाउन दे विच घर सीगा उहदा, अपार्टमेंट लई उह सीगी ते हांजी हांजी सत श्री अकाल, किधर वधिया ते सारे पासे चर्चे हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है, -33 टैंपरेचर है। हुण आपां चलिए घर नू, अज दा ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरस्टिंग सीगा, आई होप तुहानूं वधिया लगा होगा, ते अग्गे मेरे होर इदां दे वधिया वधिया ब्लॉग्स देखण लई चैनल नू सबसक्राइब कर लो, ते नोटिफिकेशन ऑन कर लो, इंस्टाग्राम ते फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन दे विच आ, उत्थे मैं स्टोरियां पाना रहिंदा। डाउनटाउन चैक कर लो बई, हाय हाय। हुण आपां चलिए घर नू ते फिर तुहानू मिलदे आ, अज 6 तरीक आ, 9 तरीक नू गुरपुरब आ, 9 तरीक नू गुरुद्वारे मिलांगे हुण तुहानू, तद तक लई टेक केयर, बाय बाय। We'll be right back.